हेलो बच्चों, कक्षा 12 के फिजिक्स का पहला चैप्टर का कुछ क्वेश्चन है ये। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो ज़्यादातर बच्चे जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ जिनको नहीं समझ में आता है। क्यू बराबर एन ई, ये फार्मूला है। इस फार्मूले का मतलब जानते ही होंगे आप, आवेश बराबर नंबर नंबर इलेक्ट्रॉन संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, या चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो और गुणे। तो इसी फार्मूले में पुट कर देंगे, 8 कूलाम ऋण आवेश, आवेश 8 कूलाम है, ठीक है। तो 8 कूलाम और इसका जो है एन निकालना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो निकालनी, और इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इतना होता है आवेश। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 1/6 नीचे आ जाएगा, और उसके बाद जो है 16×5=80, ठीक है। तो 5×10^19 यह आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दो समान आवेशों क्यू तथा क्यू को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर आवेश क्यू रख दिया जाता है। इन तीन आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि क्यू का मान, ठीक है, क्यू का मान। तो ये देखिए, यहाँ पे बीच में जो है क्यू रखा हुआ है, ठीक है। तो यह संतुलन में कब होगा और क्यू का मान भी पूछ रहा है। तो ये देखिए, पहली बात कि आवेश क्यू, कैपिटल क्यू जो है ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, नहीं दिया हुआ, इसका मतलब पॉजिटिव है। और बीच में जो आवेश क्यू रखा गया है यह हमेशा निगेटिव होगा, आप ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा निगेटिव होगा। क्योंकि निगेटिव होगा तभी तो ये दोनों आकर्षित करेंगे, यह भी अपनी तरफ खींचेगा और यह भी अपनी तरफ खींचेगा, दोनों बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। क्योंकि माइनस क्यू भी जो है ये भी अपनी तरफ खींचेगा इनको, और अगर प्लस में आ जाएगा ये, अगर मान लीजिए प्लस में क्यू नहीं होगा, ठीक है, तो मैं बताता हूँ प्लस में क्यू नहीं होगा। अगर प्लस में हो गया ये, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये दोनों इसको जो है धक्का कर देंगे साइड वाले को, तो ये चला जाएगा बाहर। इसी तरीके से ये प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, ये दोनों इसको धक्का देंगे तो ये चला जाएगा बाहर। तो ये प्लस में कभी नहीं होगा, ठीक है, माइनस में ही होगा हमेशा। अब इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, आइए समझते हैं। तो इस पे किसी एक पे, मान लीजिए हम इसको मानते हैं, ठीक है, इस पे हम नेट नेट फोर्स ज्ञात कर लेंगे, उससे हमारा मान पता चल जाएगा। दोनों बराबर होना चाहिए, जब भी तो ये निकाय संतुलन में है, लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब संतुलन में तभी होगा जब ये, ठीक है। तो आइए देखिए, फोर्स बराबर के, मान लीजिए कि इससे हम करते हैं, ठीक, तो के क्यू माइनस क्यू और बटा आर स्क्वायर, और कैपिटल क्यू वाले से क्यू और इस क्यू हो जाएगा, और ये 2R² होगा, यही तो, इसको आर मान लेंगे आप, तो 2R हो जाएगा। अब इससे जो है क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये देखिए, ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है, और यह जो है ये बचेगा आपका q/4, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, और ये माइनस है तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।